तीखे ने नक्श वाली एक दिलकश अदाकारा जिसकी खूबसूरती का हर कोई कायल था, और उन्हीं में से उनके एक दीवाने थे महानायक अमिताभ बच्चन। कभी कभी मेरे दिल ख्याल। बेशक अमिताभ बच्चन के दिल में ऐसा ख्याल आता होगा, लेकिन अफसोस ये ख्याल फकत ख्याल ही रह गया, क्योंकि तब अमिताभ शादीशुदा थे। उस बरसे रात भीगे होंठ थर। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, ठीक कुछ ऐसा ही इस जोड़ी के साथ भी हुआ। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी। फिर तो अमिताभ और रेखा के प्यार के किस्से मशहूर हुए और हर जुबान पर इसका जिक्र आ गया। हम दोनों बदनाम होने लगे हैं। आखिर क्यों शादीशुदा अमिताभ बच्चन रेखा के प्यार की गिरफ्त में आ गए? आखिर क्यों उन्हें साइलेंट लवर तक कहा जाने लगा? आखिर क्या हुआ होगा जब महानायक की पत्नी जया बच्चन को इस प्रेम कहानी के बारे में पता चला, और बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानी का अंत क्या हुआ होगा? हेलो फ्रेंड्स, आई एम खुशबू पंचारिया, यू आर वॉचिंग बॉलीवुड नामा। आज के इस एपिसोड में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब तो देंगे ही, साथ ही साथ इस प्रेम कहानी की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आज तक आपको मालूम नहीं होगी। दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो। कुछ महीने पहले अभिनेत्री रेखा इंडियन आइडल में पहुंची थी, तब उनसे किसी ने पूछा था कि क्या आपने किसी औरत को किसी शादीशुदा आदमी के लिए इतना पागल होते हुए देखा है? इस पर रेखा ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, मुझसे पूछिए ना, ये बात तो मजाक में आई गई हो गई, लेकिन रेखा के इस जवाब में एक गहरा दर्द छिपा है। अमिताभ और रेखा की मुलाकात साल 1976 में आई फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में दोनों ने पहली बार स्क्रीन शेयर की थी। ये फिल्म रिलीज हुई और सुपर हिट हो गई। कोई न कोई चांस जरूर मिलेगा और फिर देखना, रात और रात हमारी किस्मत बदल जाएगी। जिसके बाद अमिताभ और रेखा दोनों रातों रात स्टार बन चुके थे। उस वक्त अमिताभ पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिल्म की कामयाबी के नशे में रेखा उन्हें अपना दिल दे बैठी। उधर अमिताभ भी रेखा के मोहपास में फंसते गए। यहीं से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। शहनाई बजाकर सारे गांव के सामने उठाकर ले जाऊंगा तुझे। ऐसा बोल, ऐसा। अमित जी के प्यार में रेखा ने भी सजना संवरना शुरू कर दिया था, तो वहीं अमिताभ भी दिलकश अदाओं के शिकार होते गए। देख आँखों में। अरे तेरी आंखों में देखते देखते मैं जवान हो गई, पर बात आगे बढ़ते नजर नहीं आती। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे के साथ सीक्रेट डेटिंग की। मेरा दिल है तेरी बना हो मैं। अमिताभ और रेखा इन दोनों को ही लगता था कि किसी को उनके अफेयर के बारे में कानो कान खबर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उनका वहम था। असल में हर किसी को उनके अफेयर के बारे में पता था। पहले तो बॉलीवुड की गलियारों में उनके प्रेम के सुगबुगाहट होने लगे, और फिर धीरे धीरे पब्लिक में भी उनके प्रेम के सिलसिले होने लगे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दुनियादारी से बेखबर रेखा और अमिताभ ने ये साथ जारी रखा, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। पकड़ी कलाई तो न छोड़ूंगा कभी, ना छोड़ूंगा। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की। ये उनकी लव स्टोरी का ही कमाल था कि एक के बाद एक उनकी सब फिल्में सुपरहिट होती गई। एक दौर ऐसा भी आया था जब भारतीय सिनेमा में ये जोड़ी सबसे टॉप पर पहुंच गई और लाखों दिलों पर राज करने लगी। जहां एक और उनकी फिल्में हिट होती जा रही थी, वहीं धीरे धीरे अब उनके अफेयर की चर्चाएं भी होने लगी। मुझे तो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की आदत पड़ गई है। अरे टांग नहीं अड़ा रहा हूं, किसी का घर बसा रहा हूं। एक बार तो फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा के लिए अमिताभ अपने को एक्टर से लड़ पड़े थे, जिसके बाद से दोनों के अफेयर की हवाएं उड़ने लगी। सुन ले, अगर तूने धनिया को फिर कभी बुरी नजर से देखा तो जीवा तेरा खून पी जाएगा। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी,
उसी बीच 22 जनवरी 1980 को रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंची तो वहां हर कोई हैरान रह गया। इस फंक्शन में अमिताभ और जया भी मौजूद थे। रेखा को ऐसे देव गोशिप की जाने लगी कि उन्होंने और बिग बी ने चुपके से शादी कर ली है। तुम इस शादी से खुश हो ना? एक तरफ अमिताभ और रेखा की फिल्में सुपरहिट होती गई तो दूसरी तरफ उनकी प्रेम कहानी भी जगजाहिर होती रही। आहिस्ता आहिस्ता ये बात अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन के कानों तक पहुंच गई। शुरुआत में तो जया बच्चन इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगी फिर उन्होंने शांत रह के वो कर दिखाया जो शायद वो ऐतराज करके भी ना कर पाती। उस वक्त जया ने रेखा को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था। खास बात यह थी कि उस वक्त अमिताभ बच्चन मुंबई में नहीं थे बल्कि शूटिंग के सिलसिले में बाहर थे। रेखा बच्चन हाउस पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिनर के वक्त रेखा और जया ने ढेर सारी बातें की मतलब और इस दौरान अमिताभ के बारे में जिक्र तक नहीं हुआ। लेकिन जब डिनर के बाद जया रेखा को बाहर छोड़ने आई तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो अखबारों की सुर्खियां बन गई और अमिताभ और रेखा हमेशा के लिए अलग अलग हो गए। तब जया ने रेखा से कहा था कि सुनो रेखा, मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ने वाली। ये बात सुनकर रेखा दंग रह गई थी और रेखा को शायद समझ आ गया कि उनका अमिताभ के संग रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं होगा। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। वहीं अमिताभ को भी रेखा और परिवार दोनों में से किसी एक को चुनना था और उन्होंने अपने परिवार को चुना और रेखा से दूरियां बनानी शुरू कर दी। जया का मजबूती से अपने रिश्ते के लिए लड़ना और अमिताभ का फिर से अपनी पत्नी और परिवार पर ध्यान देना धीरे धीरे रेखा के साथ दूरियां बढ़ाता गया। भले ही रेखा ने जया की बात मान ली हो लेकिन मन से वो अमिताभ को ना भुला सकी। ऐसे कई मौके आए जब अमिताभ के लिए रेखा का प्यार सामने आया। साल 1983 में फिल्म कूली की शूटिंग के हादसे के दौरान जब अमिताभ मौत से लड़ रहे थे तो रेखा खुद को अस्पताल जाने से नहीं रोक पाई, लेकिन तब उन्हें अमिताभ से मिलने नहीं दिया गया। वो कई इंटरव्यूज में ऐसा बयां कर चुकी है कि अमिताभ के लिए उनका प्यार जस का तस बरकरार है। 1984 में फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि किसी को फिक्र नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। कोई इंसान ऐसे शख्स के साथ एक ही छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वह दूसरे से प्यार करता है। मैं उस शख्स को नहीं बता पाई कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, ये सबसे बुरा एहसास था। मौत भी इतनी बुरी नहीं होती होगी, मुझे मौत मंजूर थी लेकिन बेबसी का ये एहसास कतई मंजूर नहीं था। हमारे बीच प्यार है सो है। उन्होंने अपनी इमेज, परिवार और बच्चों की रक्षा के लिए ऐसा किया जो बहुत अच्छी बात है। पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है उसकी उनको परवाह नहीं है। एक और इंटरव्यू में जब रेखा से पूछा गया कि क्या वे अब भी अमिताभ बच्चन को चाहती है, तब रेखा ने कहा था उन्हें कौन नहीं चाहता बताओ। खैर फिलहाल अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं रेखा आज भी अपने अमित जी के साथ बिताए लम्हों की तन्हाइयों में जीवन बसर कर रही है। जो गुजरे हम पे वो कम है तुम्हारे। भले इन दोनों सितारों की प्रेम कहानी पूरी नहीं हो पाई हो लेकिन रेखा के मन में अभी भी शायद कहीं ना कहीं अमिताभ ही बसते हैं।